हाय, मैं हूँ जोया खान और आप मुझे देख रहे हैं भोजपुरी बातें पे। प्रणाम। कैसे हैं आप? बढ़िया हूँ, मस्त हूँ। क्या कुछ चल रहा है दर्शकों को बताना चाहेंगे? अभी एक पिक्चर में गाने पे काम चल रहा है, यही है टाइटल। मैं एक बताऊंगा आपको। सुबोध जी, सबको जरा दर्शन जानना चाहते हैं। आपने काम फिल्म में राइटिंग किया है, डायरेक्शन भी किया है, आप रहने वाले मुद्दा कहाँ से हैं? और मैं मुल्का छपरा जिला बिहार का रहने वाला हूँ। सोनपुर के पास एक गांव है गोपालपुर, मेरा निवास वही है और मेरा जन्म सोनपुर में हुआ था। हम लोग हमारे जॉब करते थे, स्कूल में और हम आज आर एन कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। हम उसके बाद में हम लोग रंग आ गए और वहाँ से हमारी शुरुआत हुई और हाजीपुर से चलते हुए दिल्ली के मंच तक पहुँचा, फिर वहाँ से मुंबई तक। इसमें थोड़ा ब्रेक लेकर मैंने इसमें प्रतिभा भी की थी। नहीं, मेरे मैं पहले किया था, लिखा था वो ऐसा असिस्टेंट नहीं लिखा था। मैं बिहार की एक तो बन नहीं पाई, लेकिन मैंने पहली राशि बेटी लिखा था। उस घर में कुछ प्रॉब्लम हुआ, उन्होंने लेकिन हम मैंने स्टार्टिंग राइटिंग की बनी थी। राइटिंग में किसी को असिस्ट नहीं किया। उसके बाद आया तो मैंने लिखी मिश्रा जी के सामने, उसके बाद उनके लिए लिखा थोड़ी और फिर इंडिपेंडेंट जो काम कर रहा हूँ उसके लिए रिलीज पहली नंदी, उसके बाद पापी के पाप कहेगा दो, इसके बाद थोड़ा सा कुछ विवाद के कारण कहीं से काम गया, इसलिए विवाद भी हुआ। तो सनोज जी की पिक्चर थी वो, फिर हमारी प्रदेश से आई, हाँ वो आज डायरेक्टर वो सब्जेक्ट, जैसे हमारे बिहार में कल्चर होता है कि कमाने के लिए लोग चले जाते हैं और मोदी जी ने बहुत तो एशिया लाइक की कहानी थी, लेकिन थोड़ा सा इसका यू टर्न था उसमें कि वहाँ रुपया विदेशी जाकर दूसरी शादी कर लेता है, लेकिन यहाँ पे हमारा हीरो शादी नहीं करता है, वापस एक अच्छा लगा था मुझे। और सारे गीत थे रामी सिंह जी, देखिए राइटर क्योंकि मेरा थोड़ा सा साहित्य से लगाव रहा है, मैं पत्रकारिता से हूँ, कई चीज का पत्रकारिता भी है और जो अभी राइटिंग हो रही है थोड़ा मुझे ऐसा लगता है कि तत्पर राइटिंग करेक्टर से कोई काम नहीं किया जा रहा है। और आज जो भोजपुरी की दुर्गति हो रही है इसमें बहुत सारी त्रुटियाँ हैं और ये दुर्गति होगा नहीं जाती है तो दुर्गति होगा, क्योंकि जब तक हम करेक्टर पे काम नहीं करेंगे तब तक एक्टर उस पर क्या काम करेगा। राइटर का इसकी जिम्मेदारी होती है कि वो एक अच्छा करेक्टर डिजाइन करे और करेक्टर उसके बाद शुरुआत होती है करेक्टर का काम या फिर डायरेक्टर का काम। तो राइटर ही अच्छा करेक्टर डिजाइन करके नहीं देगा तो डायरेक्टर उसे क्या काम देगा। कि डायरेक्टर अगर आता है देख के और फिर एक्टर उससे अगर उसको दिएगा तो फिर बात आती है। जो आजकल मैंने एक पिक्चर लिखी थी प्रेम विद्रोही, इस पर मैंने काफ़ी किया था
प्रमोद जी ने अच्छा फिल्माया भी, रवि किशन जी थे उसमें और अवधेश मिश्रा जी सुविधन थे, लेकिन लोगों को लगेगा कि वो पिक्चर उसमें काफ़ी करेक्टर अच्छा काम कर, अच्छे निर्माता उसके बहुत अच्छे इंसान थे, उन्होंने मुझे काफ़ी मौका दिया था, टाइम दिया था और राइटर ने भी मजबूरियाँ, क्योंकि यहाँ जो निर्माता आते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में सब इसमें जैसे घोड़ा पर चढ़ के आए हों और आज के आज पिक्चर बना देनी है, तो सीधा बोलेंगे भाई कहानी सुना दो, राइटर दिया दो दिन में यहाँ मुंबई से ट्रेन पर चढ़े, रास्ते में कहानी लिखे, मैंने भी लिखी उसकी पिक्चर एक, और मेरा उसे राइटर को समझ हुआ था कि भैया अभी दो दिन की कहानी लिखवाओगे तो पिक्चर दो दिन में उतर जाएगी। मेहनत करना चाहता है राइटर लोग, लेकिन थोड़ा सा मतलब इसके लिए एक माहौल बनना चाहिए ना, क्योंकि कहानी पिक्चर बनाता है निर्माता है और उसको और लिखता जो स्टोरी डिजाइन करते हैं राइटर करते हैं, तो राइटर को थोड़ा समय मिलना चाहिए, उसके लिए पर्याप्त बजट भी नहीं मिलता। अगर राइटर मैंने मेरी कुछ राइटरों से बातचीत की है, आज ऐसे कुछ असिस्टेंट राइटर हमारे रहे जो आज इंडिपेंडेंट राइटिंग कर रहे हैं, जब मैं शुरुआती दिनों में आया था तो मेरे नीचे कुछ राइटर काम कर रहे थे इंडिपेंडेंट आज कर रहे हैं, मैंने पूछा कि तुम लोग ऐसा कैसे लिख रहे हो यार, तुम लोग तो ऐसा नहीं करते थे, तो उन लोगों ने कहना है कि भैया बजट ही कम मिलता है, अब 25,000 में पिक्चर लिखनी होगी तो क्या लिखेगा, क्योंकि उसका महीने का खर्चा भी लिख नहीं सकता हो, गर्मी पिक्चर देगा तो थोड़ा सा चाहिए मतलब ठीक है। मेरी इंडिपेंडेंट पिक्चर तो संज्ञा बिलन प्रदेशिया रही है, इसके बाद मैं भी जो प्राण करके आया हूँ मुंबई, हमारी 6 मैं मूवी करने जा रहा हूँ, इसमें 5 शॉर्ट मूवी है फेस्टिवल के लिए और एक हिंदी की हिंदी मूवी है पिक्चर फिल्म, और इस बीच में मैंने एक मेरी पिक्चर बीच में रुकी हुई थी का गाने का काम चालू कर दिया है हमने, और ये भी पिक्चर फरवरी में शूट पे जाएगी भोजपुरी, ये भोजपुरी में हाँ, बस दूसरे के लिए लिखने का दरअसल क्या है कि आदमी जो लिखता है तो चाहता है ना कि वो पर्दे को भी उतरे, अब बजट है नहीं, आप कुछ लिख दो वहाँ पे कि जहाज़ उतारना है तो छोटा जहाज के बजाय बस उतार देता है, चीन की बैंड बज जाती है, तो ये मतलब मैंने बहुत लोगों के साथ मैंने काम करने से मना भी किया, सॉरी मतलब उन माताओं को मैं चाहता हूँ कि उस समय काम करने से मना किया, मैं चाहता हूँ डिजाइन करो, ऐसा नहीं है कि सब पिक्चर के बड़ा बजट होता है, छोटे बजट में भी अच्छी बनाई जा सकती है, लेकिन उसके लिए और मैं डायरेक्ट करने भी इसीलिए आया हूँ, बेसिकली मैं राइटर हूँ, छोटे बजट में अच्छी मूवी बनाई जा सकती है, उसके कहानी बननी चाहिए, कहानी का कोई बजट का भी बजट होता है ना, कौन सी कहानी जाएगी जो उस पर काम पूरी आदमी कुछ भी लिखता है कुछ भी बनाता है। देखिए सबसे पहले तो अभी बहुत अच्छी बात है कि भोजपुरी सिनेमाघरों से महिलाएं जा चुकी हैं और ये बहुत ही दुख है हमें कि क्योंकि मैं जब बच्चा था मैं जाता था गांव के साथ हम लोग सिनेमा देखते थे, अभी मैं अपनी जो खुद की पिक्चर जिसको मैं खुद बनाया था और उसमें एक भी हमने एडल्ट से नहीं डाला, तो इसका कारण कुछ एक और भी है क्योंकि हम सेंसर बोर्ड में हमें उस पिक्चर के लिए भी ए सर्टिफिकेट मिला, जबकि उस पिक्चर में कोई ऐसी गंदगी नहीं थी, एक गाना थोड़ा सा गलती था उसको सेंसर बोर्ड ने काट दिया, उसके बाद भी ए सर्टिफिकेट दिया, मैं विरोध करता रह गया, लेकिन सीधा सेंसर बोर्ड का कहना था कि नहीं भोजपुरी बहुत आहत किया और मैं 4 साल इंडस्ट्री से गाँव जाकर बैठ गया, बहुत साफ सुथरी बनाने के बाद भी मराठी लोग जो पिक्चर देखते हैं महाराष्ट्र में और ये भोजपुरी पिक्चर को सीधा कहते हैं कि नहीं ये सर्टिफिकेट दिया जाए,
तो मैं इतना हाथ हुआ कि मुझे पिक्चर बनाने का मन नहीं किया, क्योंकि किसी भी निर्माता का पैसा तो रिकवर तो होना चाहिए ना। जो मेरे पास आया कि पिक्चर बना चलो करते हैं कोई हिम्मत नहीं, तो मैं दूसरे लोगों को बोलना चाहूँगा कि वो लोग भी छोटे निर्माताओं के प्रति थोड़ा भी इमोशन करते हैं। इन लोगों के लिए बड़ा हीरो चाहिए, लेकिन अब उनको क्या मैं एज मेरे ने भी काम किया है, रवि किशन जी ने भी काम किया है, मनोज तिवारी जी ने भी काम किया है, कहीं मेरा नाम आया कहीं मेरा नाम दिया गया, मतलब मैंने लिखा उसने उन्होंने काम किया है। और मुझे कहने में थोड़ा भी संकोच नहीं है कि बड़े स्टार लोग स्टोरी में कर देते हैं, इतनी उम्री करते हैं कि स्टोरी फट जाती है, तो इस कारण भी मैं पिक्चर मना कर दे रहा था। मैं 4 साल 5 साल घर पर रहा, छोटे मोटे प्रोजेक्ट लिखता रहा, क्योंकि मैं राइटर हूँ तो राइटिंग कुछ करूँगा नहीं, लिखता रहा, छोटा छोटा सब्जेक्ट बनाता रहा। अभी मुझे ऐसा लगा कि नहीं, अब मुझे खुद से आगे आना पड़ेगा, और मैं अपना सुबोध गांधी प्रोडक्शन करके मैं अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस खोला हूँ, और हम इस पर काम कर रहे हैं, हमें भोजपुरी पर भी काम कर रहे हैं और हिंदी पर भी काम कर रहे हैं। मेरी प्लानिंग है कि जो पिक्चर मैं बनाऊँ उसको 2-3 भाषा में कम से कम ऐसा किया हूँ कि 2-3 भाषा पर उस पर काम किया जा सके, तो पिक्चर पर बस यही योजना करने ले आया हूँ। देखिए भैया, सपना क्या होता है कि मेरे मन में किसी के प्रति तेज नहीं है, क्योंकि हमारी अपनी सोच है, हम अपना रास्ता देख कर मुझे नहीं लगता कि मुझे वैसा बनना है। मुझे ऐसा लगता है कि जो अच्छा है वो अच्छा है, उससे अच्छा क्या हो सकता है, मैं वहाँ पे जाकर सोचता हूँ। उसके लिए अच्छा रास्ता बनाना बहुत जरूरी है, और किसी को अगर आप मान सकते हो तो आप कभी आदर्श नहीं बन सकते, इसलिए मैं अपना रास्ता खुद ही बना रहा हूँ। पवन जी के साथ में रहा हूँ, और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, उनके साथ मैंने अच्छा काम किया। वहाँ पे संगीता जी डायरेक्टर थे, मैं वहाँ पे राइटर काम कर रहा था, और थोड़ी सी कुछ बात थी कि बाय नेचर मुझे तो अच्छे लगे। देखिए, किसी के पर्सनल लाइफ पे टीका टिप्पणी करना मुझे अच्छा नहीं लगता, और रहा बात प्रोफेशनल लाइफ में, तो अभी प्रोफेशनल लाइफ में जो मार्केट जिसका मांगता है लोग, तो उसको तपोजो देते ही। रवि जी के साथ मेरा अच्छा किया, मैंने उन्होंने काम किया, और मनोज तिवारी जी के साथ सेट पे तो मैं काम कर पाया, लेकिन हमारे स्टोरी पे उन्होंने काम किया, तो मैं बहुत स्टार्टिंग में देखा। नेता और अभिनेता दोनों एक सिक्का के दो पहलू हैं, दोनों अपना अपना चरित्र निभाते हैं। कोई बातें जो याद हो रवि जी के द्वारा, आपके द्वारा? नहीं, वो मुझे दाढ़ी कहते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरा नाम है दाढ़ी कहते हैं। सॉरी, रवि किशन के साथ कितना फनी होता है जब आप फूड के साथ उनके साथ टाइम दे देते हैं? नहीं, रवि भैया जब सेट पे होते हैं तो पूरा फनी ही होते हैं, वो काफी अच्छा लगता है। मैंने ऐसी पिक्चर की उनके साथ, एक नहीं मैंने 2 पिक्चर की, लेकिन एक में मैं वहाँ कुछ था नहीं, मतलब एज असिस्टेंट काम किया था, लेकिन एज राइटर मैंने एक पिक्चर काम किया उनके, तो मुझे थोड़ा सा घुलने मिलने का मौका मिला। फिर उनके साथ डबिंग भी किया, मैं डबिंग कराया था, और उस समय भी बहुत बॉलीवुड में रहते हैं, बहुत कॉपरेट करते हैं वो आर्टिस्टों को, मुझे अच्छे लगते हैं। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.